जम्मू से आ गया था मंथल। भैया कितना टाइम हो गया ये मतलब बुलाते हैं तो? 40 साल। कितने? 40 साल। 40 साल हो गया। ये सिर्फ फेमस इसी के लिए ना, चिकन के लिए। ठीक है, 10 साल हो गए ना, सॉरी 40 साल हो गए। ओके, देसी मुर्गा। काफी लोग आते होंगे यहाँ पे है ना? अच्छा, सब ज्यादा लोकल नहीं होगा। जम्मू का अमृतसर का वहाँ पे। ठीक है, देसी स्टाइल से देखो, ये बड़ा अच्छा सा देसी स्टाइल से बना रहे हैं। इन्होंने मैंने प्याज अदरक मसल लहसुन हरी मिर्च, बड़ा सही वाला सिस्टम लग रहा है। देसी स्टाइल से पूरा बन रहा है और मसाले को उस हिसाब से पीस रहे हैं। देसी स्टाइल से जैसे पहले हम एशियन टाइप में बनाते थे ना, उसी टाइप कैसे बना रही है। इन मसालों की ही खुशबू के साथ सब कुछ बनेगा। हाँ हाँ, मंथल बोल दिया मैंने, मंथल। हाँ, क्या नाम है इसका शॉप का? केवल कृष्ण जी। अभी ये देखा ना आपने, यहाँ से मसाला बना और ये सीधा इसमें डायरेक्ट डाला है यहाँ पे इन्होंने। इसी चीज का ही टेस्ट होगा। अच्छा, नीचे क्रस्ट होती है ना, हाँ, उधर केवल ढाबा सामने लिखा हुआ बड़ा। ओके, ठीक है, ठीक ठीक है, सही है यार। और ये होता देसी मुर्गा ही है, बनता देसी मुर्गा ही है। लेट्स ट्राई, अब ट्राई करते हैं। मसाला थोड़ा थोड़ा डाल दिया है, फ्रेगनेंस तो बहुत अच्छी आ रही है, बहुत ज्यादा। अब टेस्ट करके देखेंगे कैसे क्या होगा टेस्ट। कहते थे ऐसे भी यहाँ पे बहुत फेमस है ये मंथल का चिकन, तो आज हम भी ट्राई करने आए। अगर कोई यहाँ से जम्मू से कोई आ जाता है इधर मंथल वाली साइड, तो यहाँ से जरूर चिकन खा के जाए। देसी मुर्गा बनाते हैं ये भाई लोग, केवल कृष्ण ना, केवल कृष्ण का ये ढाबा है, बहुत फेमस। आज हम भी फर्स्ट टाइम ही आए हैं, ट्राई करने के लिए आए हैं। देखते हैं अभी, भाई अभी बस उसको बस बना रहा है अभी। ये कितनी देर तक प्रोसेस मतलब चलेगा, ये कितनी देर तक? नहीं, ये मतलब बनने कितना टाइम लगता है? 10 मिनट बनने लगेगा। अच्छा, जो अपने वैसे ये हाफ तैयार किया होता है ना, आधा तैयार किया, आधा इन्होंने तैयार किया होता है, फिर बाद में मसाले ये अपने डालते होंगे। ये आपके अपने मसाले होंगे ना, ये आपने पर्सनल मसाले बनाए हुए हैं, उसी के टेस्ट होगा। लेट्स होप। ये आपको बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। ये जाता मेन रोड जम्मू से आता है, जम्मू का भी ये रोड है, तो इसे मंथल बोलते हैं यहाँ से, मंथल है। काफी लोग आते हैं यहाँ, फेमस है। और ये ढाबे का आपको मैं बता देता हूँ, बाहर का ये व्यू है। इसी यही चीज खाने के लिए हम बड़ी दूर से आए, यही चीज खाने के लिए। भैया अच्छा सा बनाना, हमें मजा आ गया खाने में। जितना नाम सुना की मंथल का, उसका आपसे बनाइए। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है, ये आप लोग बनाते देसी मुर्गा है ना, मुर्गा होता है देसी है ना, ये बड़ी अच्छी बात है। और ये कितने की पर प्लेट कितने की होगी भैया? एक प्लेट कितने की है ये? 170 की। 170 की प्लेट, ठीक है। उसमें कितने पीस डालते हो एक प्लेट में? एक प्लेट में 5 पीस होते हैं। अच्छा, मतलब एक बंदा काफी सफी मतलब पेट भर जाता होगा एक बंदे का ना। मुंह में तो पानी आ रहा बहुत ज्यादा देख के। अब ट्राई करेंगे बस ये भाई लोग। अब ये सर्व हो रहा है जी, ये हमारे लिए अब सर्व हो रहा है। देखो क्या बात है यार, लजीज टेस्ट होने वाला है, इतना तो पता है। बेहतरीन लजीज टेस्ट ही होगा जी, जिस हिसाब से पता लग रहा ना। ये हमारे लिए अब सर्व हो रहा है, तो ट्राई करते हैं हम कैसे बना। वाओ, दिखने में तो अच्छा लग रहा है। पहले हम करेंगे ग्रेवी ट्राई करते हैं। बहुत टेस्टी है, अल्टीमेट इसे बोलते हैं, अल्टीमेट। इनके जो मसाले है ना अपने, उसी का ही स्वाद है। और प्लस पॉइंट क्या है इनका कि ये बनाते हैं देसी मुर्गा, लाइक ब्रॉयलर वाली जो मुर्गी है तो वो नहीं बनते, ये बनता ही देसी मुर्गा। मतलब अल्टीमेट है जी, अल्टीमेट। ये मशहूर है देसी मुर्गे के लिए ही हम आए हैं। और जम्मू, ये बहुत जम्मू का मशहूर है, ये मंथल एरिया है ना, मंथल एरिया ना। जब भी आप यहाँ से जाओगे तो ये यहाँ से जरूर खाते जाना, मंथल ढाबा है ये, सॉरी मंथल ढाबा बोल रहा हूँ। तो चलो अब हम खाते हैं।
तेरा फेवरेट मतलब अल्टीमेट अल्टीमेट टेस्ट बहुत अल्टीमेट है। चलो अब खाते हैं, फिर नेक्स्ट आके मिलता हूँ मैं आपसे। फाइनली हम मंथन से अब जा रहे हैं, चिकन खाया था बहुत टेस्टी चिकन था। अब हम बैक टू बैक अब जम्मू जा रहे हैं और अपने हाउस में रात के 12 बज चुके हैं। फाइनली हम इसके बाद हम घर चलेंगे बैठेंगे।